खबर रिद्धिमान साहा से है। विकेट कीपर बैट्समैन रिद्धिमान साहा इन दिनों नाराज चल रहे हैं लगता है बीसीसीआई से, और खासकर में बीसीसीआई में किससे नाराज चल रहे हैं, राहुल द्रविड़ और सौरभ गांगुली से। क्यों नाराज चल रहे हैं इस बात पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुकेश तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल। चलिए आपको बताते हैं कि क्या कहानी है रिद्धिमान साहा की और क्यों वो नाराज चल रहे हैं। अभी हाल ही में रिद्धिमान साहा ने ये आरोप लगाया है कि राहुल द्रविड़ ने उनसे बोला है कि अब आप अपने संन्यास पर विचार कर लीजिए क्योंकि टीम मैनेजमेंट अब आपको नहीं चुनने वाली। इसके बाद से उन्होंने ये भी बताया है कि जब तक वो टीम में थे तब तक वो इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते थे, लेकिन टीम से बाहर होने के बाद वो इस बात को कबूलते हैं कि राहुल द्रविड़ की मैनेजमेंट वाली टीम ने मुझे बोला है कि अब उन्हें हायर नहीं किया जाएगा, अब उन्हें टीम में नहीं जगह मिलेगी, अब वो अपने संन्यास लेने के बारे में विचार करने लगे। इसके साथ साथ राहुल द्रविड़ ने उन्हें साइड में बुला के इस बात को बोला था कि अब आप अपने संन्यास पे विचार करें क्योंकि अब आपको टीम में नहीं चुना जाएगा। इसी बात को लेकर शाह जो है वो नाराज हैं। आपको बता दें कि श्रीलंका वाले दौरे पर ना शाह को चुना गया है, ना चेतेश्वर पुजारा को चुना गया है, ना ही ईशान शर्मा को चुना गया है। आपको बता दें कि तीनों के तीनों ही खिलाड़ी आउट ऑफ परफॉर्मेंस चल रहे हैं, फॉर्म में नहीं है, जिसके कारण उन्हें टीम से बाहर रखा गया है। लेकिन इसके साथ साथ लगता है कि रिद्धिमान साहा ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सौरभ गांगुली पे भी एक निशाना साधने की कोशिश की है। आपको बता दें कि जब पिछले साल नवंबर के महीने में न्यूजीलैंड से जब मैच हो रहा था, टेस्ट हो रहा था, तब उसमें उन्होंने पेन किलर लेके 62 रनों की पारी खेली थी, और इन्होंने रिद्धिमान साहा ने इस बात को कबूला भी कि जब मैंने वो पारी खेली थी तब मुझे दादा का फ़ोन आया था और उन्होंने बताया था कि तुमने अच्छा किया था, और उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक मैं इस पोजीशन पर बैठा हूँ तब तक तुम्हें अपने सिलेक्शन के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। लेकिन अब उनके इस स्टेटमेंट के बाद से अब ऐसी बातें कहा जाना कि जो हेड कोच है इंडियन टीम के राहुल द्रविड़, उनके द्वारा ये बात कहा जाना कि अब आपको नहीं चुना जाएगा, ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़ा करता है। और कहीं ना कहीं ये एक खिलाड़ी के लिए भी बहुत ही अहम होता है जब उसका हेड कोच उससे कहता है कि अब आप संन्यास लेने के बारे में सोचने लगे। आपको बता दें कि उन्होंने रणजी ट्रॉफी से भी हाथ इसलिए पीछे खींच लिया था क्योंकि उन्हें टीम में जगह नहीं मिल रही थी, उन्हें इंडियन टीम में नहीं चुना गया था। और इसके बाद से अब रिद्धिमान साहा ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अपने गुस्से को सबके सामने जाहिर किया है। आपको क्या लगता है कि राहुल द्रविड़ का ऐसा कहना, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो कब तक और कहां तक सही है, हमें कॉमेंट बॉक्स में बताएं। अगर इस खबर से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नेशनल।